जय श्री माता जी। सुबह के ध्यान सत्र में उपस्थित विश्व के सभी साधकों का हृदयपूर्वक स्वागत है। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। Thank you.
परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर सामूहिकता की सहस्त्रार में आप विराजिए। श्री माता जी, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। हमारा अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित है। कृपया आप हमारा समर्पण और कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। सहस्त्रार पर अपने चित्त को स्थिर करते हुए कुछ समय ध्यान में बैठते हैं। ध्यान की इसी अवस्था में अमृतवाणी ग्रहण करते हैं। आज हम श्री गणेश पूजन करने वाले, अब टूर की शुरुआत हो रही है और इस मौके पर जरूरी है कि हम गणेश पूजा करें। खासकर दिल्ली में गणेश पूजा की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि हम लोग गणेश के बारे में बहुत कम जानते हैं और क्योंकि महाराष्ट्र में अष्टविनायक हैं और महागणपति गणपति पुणे में है, इसलिए लोग गणेश जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है, गणेश जी हैं क्या,
इस मामले में बहुत कम लोग जानते हैं। अब जो भी हम बात आपसे बता रहे हैं ये आप सहयोगी के नाते समझ सकते हैं, पर आम दुनिया इसे नहीं समझ सकती। एक हद तक आम दुनिया, विशेषकर बुद्धि पुरस्सर लोग सहयोग को देख सकते हैं, किंतु इस योग के घटित होने में कोई देवी देवता मदद करते हैं ये उसे नहीं मानते। और परम चैतन्य को भी अनेक तरह के नाम दे करके वो समझाते हैं कि ये कॉस्मिक एनर्जी, पता नहीं वो भी समझते हैं या नहीं। तो सबसे पहले इस पृथ्वी की रचना होने से पहले समझ लीजिए, परमात्मा ने यही सोचा, आदिशक्ति ने यही सोचा कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले पवित्र आना चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए। और पवित्रता जब यहाँ फैल जाएगी उसके बाद सृष्टि में चैतन्य चारों ओर कार्यान्वित हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए कि परम चैतन्य चारों तरफ फैला हुआ, लेकिन उसका असर तभी आता है जब आपके अंदर पवित्रता हो। अगर आप पवित्र नहीं हैं, आपके विचार शुद्ध नहीं हैं, या आप किसी और ही सतह पर रह रहे हैं, तो आप सहज की गहराई में नहीं डूब सकते। ये सूक्ष्मता जो आपने सहज में प्राप्त की है, इसमें सबसे बड़ा काम श्री गणेश ने किया। तो श्री गणेश जो है वो परम चैतन्य के द्योतक है, या कहना चाहिए कि श्री गणेश से ही ये परम चैतन्य जो है आलोकित है, और हरेक चक्र पर ये कार्य करते हैं। हर चक्र में जब तक निर्मलता ना आ जाए, जब तक पवित्रता ना आ जाए, तब तक कुंडलिनी का चढ़ना असंभव, और चढ़ती भी है तो वो बार बार गिर जाएगा। कुंडलिनी का और गणेश जी का संबंध है वो माँ और बेटे का, आप तो उनकी कहानी जानते हैं कि पार्वती जी जब नहा रही थी तब उन्होंने अपना मल निकाल के, उनके मल में तो वाइब्रेशंस होने ही हुआ, उससे श्री गणेश बनाए और उनको बाहर बिठा दिया था। उस वक्त एक बात समझनी चाहिए कि गणेश को बनाया वो सिर्फ आदि शक्ति ने, उसमें सदाशिव का करा सा भी हाथ, परमात्मा का इसमें हाथ नहीं था, ये तो आदि शक्ति ने श्री गणेश को बनाया। इसी से आप समझ सकते हैं ईसा मसीह के लिए जो कहते हैं कि उनको गैब्रियल ने आके बताया कि तुम्हारे पेट से जक्का उद्धारक पैदा होने वाला है, तो वो कुमारी थी। सो कुमारीपन में किसी को बच्चा हो तो अपने यहाँ उसे बड़ी शुभ बात नहीं समझते, पर जो अति शुभ ऐसे श्री गणेश, उनको पार्वती जी ने सदाशिव की
गैर हाजिरी में बनाया। इसी प्रकार कौमार्य अवस्था में ही ईसा मसीह को बनाया गया। ये हिंदुस्तानी बहुत आसानी से समझ सकते, पर विदेशी लोग इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इंसान को मनुष्य ही समझते हैं, उससे ऊंचे नहीं उठ सकते। और इसलिए उनके यहाँ जो बौद्धिक वर्ग है वो तो इस पर इतना आमादा है कि किसी भी तरह से ये वो मान्य नहीं करता कि कौमार्य अवस्था में इस प्रकार ईसा मसीह का, इसको कि वो इमैकुलेट कंसेप्शन कहते हैं, वो हो सकता है। अब इसी झगड़े में लगे हुए हैं, इसी बात के ओर ध्यान दे रहे हैं। अब आप लोग सहयोगी हैं और आपने चमत्कार देखे हैं, चैतन्य में अनेक चमत्कार देखे, उसका असर आप पे भी आ गया और दुनिया की तरफ आपकी नजर बदल गई। ये जिन्होंने पाया है वो जरूर सोचने लग जाते हैं कि जो दुनिया हम रोज देखते हैं वो माया है, उससे परे एक और दुनिया जरूर है जो सत्य है। ये सहयोगी देख सकते हैं, वो अपने उंगलियों पर जान सकते हैं कि श्री गणेश ये अभिव्यक्ति जो हुई वो सत्य है। यहाँ तक कि मैंने ग्रीस में देखा कि ग्रीस में वहाँ अथीना माने अथ माने प्राइमोरियल आदिशक्ति अथीना का वहाँ अवतरण हुआ। और जब मैं वहाँ गई उनके देखने के लिए पार्सिपोलिस में उनका जो मंदिर बना है, तो बाहर उन्होंने बताया कि यहाँ एक चाइल्ड गॉड है। बड़े आश्चर्य की बात है, उनको मालूम नहीं है कौन चाइल्ड गॉड है, क्योंकि अब वहाँ इतने साल बीत गए हैं और वहाँ दूसरे लोगों ने आकर के उनकी सारी परंपराएं नष्ट कर दी। हालांकि हिंदुस्तान में अभी भी हमारी परंपराएं जागृत हैं, इसलिए उनको अविश्वास है, ये सब बातें मानते नहीं, नहीं उधर सोचते भी नहीं। उसी प्रकार हम पीकर के एक जगह है जहाँ गए थे, वहाँ पर उन्होंने कहा ये नाभि और एक ऐसा गोल सा ऐसा चट्टान जैसा पत्थर का टीला था, बहुत चैतन्य उससे बह रहे थे। लेकिन पीछे से जब ऐसे वाइब्रेशंस आने लग गए, मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ साक्षात गणेश बैठे हुए हैं पत्थर। इनको क्या मालूम गणेश क्या होते, मैं देख के हैरान हूँ, स्वयंभू और इतने चैतन्यपूर्ण। लेकिन बगैर सहयोग के गणेश के बारे में कहना बड़ा मुश्किल हो जाए। और उसके बाद भी जो धर्म के लोग आए, जिन्होंने धर्म वाकई में चाहा कि दुनिया में बसाया जाए, उनका चित्त ज़्यादा धर्म पे था कि लोग स्वच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं और उनको ऐसी दशा में चले जाएं कि कल जब उनका उद्धार होने का समय आएगा उस वक़्त वो साफ हो जाए। इसलिए उन्होंने धर्म की ओर ज़्यादा ध्यान दिया कि लोगों के धर्म कैसे ठीक करेंगे। जैसे मोसेस वगैरह, इनको 10 आज्ञाएं कमांडमेंट्स मिली, ये सब इसलिए कि लोगों में एक तरह से वो स्थिति आ जाए कि जिससे वो अपना आत्म साक्षात्कार आसानी से प्राप्त करें। हमारे यहाँ भी गुरु नानक आदि इतने बड़े बड़े गुरु हो गए हैं, उन्होंने यही मेहनत की कि मनुष्य जो है वो धर्म पे कम से कम जमा रहे, माने उसमें बैलेंस रहे, माने उसके अंदर शुद्ध विचार हो और वो पाप पुण्य में पुण्य ही देखता रहे। श्री गणेश का कार्य और तरह का। श्री गणेश अपनी शक्ति से ही स्वच्छ करते हैं,
उनकी शक्ति सबसे बड़ी है, जिसे कहते हैं अबोधिता माने इनसेंस। उनके सर पे जो हाथी का सर है, इसका मतलब यह है कि वो मनुष्य जैसे उनके अंदर ईगो और सुपर ईगो नहीं आता। और वो बच्चे हैं, इसको कहना चाहिए इटर्नल चाइल्ड। और उनका अवतरण इस संसार में जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के नाम से हो। अब इसकी हम लोगों ने साइंस से हर प्रकार का अनुमान लगा लिया। वो ऐसे कि मैंने कहा था कि श्री गणेश एक शक्ति है, निराकार में और साकार में वो श्री गणेश जैसे दिखाई देते। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ अगर भोलापन हो, सादगी हो, सरलता हो, निष्पाप हो, ऐसे निर्मल अंतकरण के अंदर श्री गणेश की जागृति हो गई। श्री गणेश के बगैर तो कुंडलिनी चढ़ नहीं सकती, क्योंकि कुंडलिनी ये गौरी है और उस गौरी को पूरी तरह से उत्थान करने के लिए श्री गणेश उसके साथ हर समय उसे संरक्षित रखते हैं। इतना ही नहीं, हर चक्र को जब कुंडलिनी चढ़ जाती है तो उसके मुख को बंद करके कुंडलिनी को नीचे उतरने से रोकते हैं। अब ये श्री गणेश हमारे अंदर मूलाधार पर बैठे, इसी में बहुत लोगों ने गलती कर दी कि मूलाधार चक्र जो है वो त्रिकोणाकार अस्थि है। ये बहुत बड़ी गलती है। मूलाधार में सिर्फ कुंडलिनी है और मूलाधार से नीचे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र उस पर श्री गणेश बसते हैं। और उनके कार्य क्या क्या हैं ये तो आप लोग सब जानते हैं। आपने हमारे फोटो देखे हैं कि हमारे पीछे श्री गणेश खड़े हैं और हमारे ऊपर भी श्री गणेश। इसी प्रकार हर देवता के लिए हो सकता है, लेकिन श्री गणेश की शक्ति जो पवित्रता की है, मैं जरूर कहूंगी कि हिंदुस्तान में इसके मामले में सब लोग जानते हैं कि हमको पवित्र रहना चाहिए। परदेश में नहीं, परदेशियों को तो पहले म्लेच्छ कहते थे, माने जिनको मल की ही इच्छा है। और श्री गणेश निर्मल है, हिंदुस्तानियों में निर्मलता की इच्छा बहुत है, और अगर नहीं भी हो तो भी कम से कम इसका ढोंग तो करते ही। इसी ढोंगीपना से कम ये फायदा है कि एक मनुष्य में जो खराबियां हैं और वो ढोंगी है, तो उसकी खराबियां समाज में नहीं फैलती। लेकिन विदेश में तो वो सोचते हैं कि जो ये खराबियां हैं ये तो बड़ा भारी कोई हम आवाहन लिए हुए हैं और बड़ा भारी हम कार्य कर रहे हैं। सो खराबियों को अच्छा मान लेना या उसमें हम कुछ बड़ा भारी एडवेंचर कर रहे हैं ऐसे समझ करके उसमें रत रहना, ये हम लोगों के हिसाब से तो बेवकूफी। लेकिन अगर आप अमेरिका जाएं तो आपको पता हो जाएगा कि वहां गणेश जी है ही नहीं लोगों में, माने ये कि वो विचार ही नहीं रह गया। अब जब उसके
दुष्परिणाम दिखाने लग गए, जब उसका नुकसान दिखाने लग गए, तब वो सोचते हैं कि नहीं, हमें तो निष्पाप होना चाहिए और हमें सफाई रखनी चाहिए आदि बातें करते, पर उसका अब असर वहाँ नहीं रहा। सहयोग के सिवा वो लोग भी नहीं बदल सकते। लेकिन आप लोगों के पास तो ये संपत्ति है, अगर वहां के लोगों को देखा जाए तो उसके मुकाबले में भाई यहां भी बहुत से लोग हैं जो गंदे रास्ते पर चलते हैं, गंदे काम करते हैं, पर छिपा कर करते हैं खुलेआम। मतलब वो जानते हैं कि इस चीज से समाज हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें दूर ढकेलेगा। विशेषकर जो लोग बाहर होके आए हैं उनमें ये दोष पाया जाता है, बड़े चरित्रहीन होते हैं और इस चरित्रहीनता को वो बड़ी भारी अपनी कमाल समझते हैं और सोचते हैं कि इसमें तो खास हम कोई तो भी बहुत सुंदर हैं या हमारे अंदर कोई तो भी विशेषता है, इस प्रकार का आरोपण करके अपने को बहुत ऊंचा समझने लग जाता। अबोधिता की जो शक्ति है वो ये कि सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वो अबोध है, माने ये कि उसके अंदर किसी भी तरह की खराबी नहीं, कोई किलमिश उसके अंदर दिमाग में नहीं, वो बिल्कुल साफ सुथरा इंसान है। ईसा मसीह ने कहा था कि जब तुम्हारे उत्थान का समय आएगा तब तुम बच्चों जैसे हो जाओ, उस वक्त और भी शक्तियां जो गणेश जी की हैं वो छोड़ करके वो सिर्फ आप में वो अबोधिता भर देते हैं जिसके सहारे आप अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। अब किसी बुद्धिमान मनुष्य से बात करें जो बुद्धि पुरस्सर है, वो यही नहीं समझ पाता कि गणेश जी ही कैसे हमारे देवता। तो समझाने की बात ऐसी है कि जब तक आप सूक्ष्म नहीं उतरेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके अंदर ये सब देवताएं हैं। श्री गणेश के चार हाथ हैं। मैंने बताया था कि कार्बन एटम के भी चार, उसके भी चार वैलेंसीज हैं, इनके भी चार हाथ हैं। निराकार में जब आप उनको लेफ्ट साइड में देखते हैं तो आपको वो स्वस्तिक के रूप में दिखाई देते हैं। कार्बन एटम को मैंने कहा कि उसका फोटो उतार के और उसके तीन एंगल से आप फोटो लीजिए। फिर आप जब राइट साइड में उसे देखते हैं तो वो ओंकार दिखाई देते हैं, बहुत से ओंकार, जितने कार्बन आइटम हैं वो ओंकार 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 ऐसे दिखाई देते हैं। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो जो ग्रीक में अल्फा और ओमेगा जो दो संकेत इस्तेमाल होते हैं वो दिखाई देते हैं। ईसा मसीह ने कहा था मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, अल्फा माने शुरुआत और ओमेगा माने अंत, और उसके जो सिंबल्स बने हुए हैं वही सिंबल्स आपको बिल्कुल दिखाई देंगे। इन्होंने इस पर काम किया, मैं जो कुछ कहती हूँ उस पर विदेश में लोग एकदम बड़े ज़ोर से लग करके उसका पता लगाते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब ये कार्बन एटम का उन्होंने फोटो लिया तीन एंगल से तो बराबर ये तीनों चीज़ें मिली। अब इससे सिद्ध हो गया कि ईसा मसीह जो थे जो अल्फा और ओमेगा बन गए वही श्री गणेश, वही ओंकार और वही स्वस्तिक। अब हिटलर ने भी स्वस्तिक इस्तेमाल किया, उसको मेरे ख्याल से ये दलाई लामा वगैरह लोगों ने बताया तो उन्होंने कहा अच्छा स्वस्तिक लगाओ। स्वस्तिक
अगर ठीक से बनाया हो, जो इसको कहना चाहिए कि जिसका झुकाव जो है और जिसकी गति राइट साइड में होती है, वो स्वस्तिक प्रगतिशील होता है, वो इनोसेंस को बढ़ाता है। और अगर उसकी गति लेफ्ट साइडेड हो गई, माने अगर चक्र वो उल्टे हो गए, तो मनुष्य का सर्वनाश हो सकता है, उसको हर तरह की बीमारियां हो सकती हैं, और सर्व ऐसी बीमारियां हो सकती हैं कि जिसको आप बिल्कुल किसी तरह से भी ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो स्नायु हैं, मसल्स हैं, वो एक बार शिथिल होने लग जाते। कल एक आदमी यहाँ आया था, उसके मसल्स जो है शिथिल होने लगते हैं, उसको ब्लाइटिस की बीमारियाँ कहते हैं, ये लोग पता नहीं क्या क्या 50 नाम है। उसमें आदमी जो है वो हिलने लग जाता है और उसकी ये बीमारी जो है ठीक नहीं हो पाती, धीरे धीरे उसके मसल्स कमज़ोर होते जाते हैं। ये श्री गणेश की उल्टी दशा में घूमने की वजह से होता है। वही हाल हिटलर का हुआ। हिटलर ने श्री गणेश की शक्ति इस्तेमाल करने के लिए स्वस्तिक बनाया। जब तक वो सीधी तरह से बना था, स्टेंसिल से बनाते थे, तब तक वो काफ़ी बढ़ते रहे। फिर वही स्टेंसिल्स उन्होंने दूसरे तरफ से इस्तेमाल करना शुरू किया तो उलट गए। उसके उल्टे हो जाने से ही हिटलर हार गया। स्वस्तिक का इसलिए महात्म्य है। अब बहुत से लोग समझते नहीं कि स्वस्तिक तो हिटलर ने भी इस्तेमाल किया था, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है उन्हें, वो तो अबोध है ना, लेकिन वो अपना असर दिखा देते। जैसे मैंने 3-4 बार पुणे में पब्लिकली कहा था कि श्री गणेश की बहुत इज्जत करो, उनके सामने सब भद्र काम करो, कोई भी तरह की अभद्रता उनको पसंद नहीं, गलत काम उनको पसंद नहीं। और वहाँ श्री गणेश के उत्सव होते हैं 10 दिन सारे महाराष्ट्र में, तो तिलक साहब ने लाया था कि आप गणेश को इस तरह से वंदना करो। और पूना में मैं जब देखने गई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वहाँ के लोग गणेश जी के सामने की आराधना करते हैं, बाद में पहले बहुत गंदे गाने, डिस्को की डांस और इतने गंदे कपड़े पहन के औरतें भी, शराब सिगरेट सब वहाँ चलता। तो मैंने उनसे बताया था कि ये बड़ा जाज्वल्यवान है श्री गणेश, इनसे डरना चाहिए और आप ऐसा ना करिए। और मेरे लेक्चर में मैंने कहा था कि ये पृथ्वी तत्व का अर्क है, अगर ज़्यादा आप करिएगा तो भूकंप हो जाएगा। और वही बात हो, जिस दिन गणेश जी का विसर्जन हुआ उसके बाद घर पे आके सब शराब पी के नाच रहे थे और वो सब फिर जमीन में गारद हो गए। हम लोग सोचते हैं ऐसा क्या प्रदेश में सब हो रहा है, व्हाट्स रॉन्ग, वहां तो किसी पूछे व्हाट्स रॉन्ग, कोई भी चीज को कहा ऐसा क्यों करते, व्हाट्स रॉन्ग। अब वहां पे बीमारियां आ गई, एड्स आ गए और दुनिया भर की गंदगी आ गई है, हजारों लोग अंदर ही से खत्म हुए चले जा रहे हैं, वहाँ की जो नाश शक्ति है, विनाश शक्ति है, वो अंदर से चल रही है। हम लोग यहाँ बैठे बैठे समझ नहीं सकते। कहते हैं कि 65% लोग अमेरिका में एकदम जर्जर हो जाएंगे। वहाँ स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी जिसमें आदमी पगला जाता है, अनेक तरह की बीमारियाँ जो हम लोग यहाँ सुनते भी नहीं, वहाँ हो रही। यहाँ कीड़े मकोड़े मच्छर इतने हैं, सब तरह की गंदगी है, पर मनुष्य साफ है। अब ये कह नहीं सकती कि आजकल के आधुनिक काल में मनुष्य की क्या स्थिति है, यहाँ क्या कर रहा है। इसको गणेश जी के विरोध में जाना माने माँ के खिलाफ पाप करना। माँ की जो एक पुण्य शक्ति है उसके खिलाफ जाना।
इसलिए वहाँ फ्रॉइड जैसे गंदे लोग आए और उन्होंने कहा कि साहब ये सब गलत है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, और माँ के साथ में जो ये पवित्रता बनाई ये सब झूठ। तो उनके लिए ईसा मसीह की जगह फ्रॉइड आ गए और फ्रॉइड की पूजा करने लगा। उनको फिर मरे हैं कैंसर से, बहुत परेशानी से। गणेश जी को ठीक करने से साइकोसोमैटिक जितनी बीमारियां हैं इनका इलाज डॉक्टर लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ सोमैटिक, वो फिजिकल साइड ही को ठीक कर सकते हैं। तो वो उसके लिए श्री गणेश को ठीक रखना चाहिए। अब ये बात जो लोग सहयोगी नहीं उनसे बताने की तो है नहीं, वो सोचेंगे ये क्या है, ये हाथी को पूज रहे हैं और ये गलत काम कर रहे हैं। पर वो एक प्रतीक है, माने एक सिंबल है, और ये जो प्रतीक होते हैं ये तब बनाए जाते हैं जब शब्दों में ये बताया नहीं जाता, ना समझाया जाता, इसलिए प्रतीक बनाए जाते हैं। आज यही प्रतीक जो हम लोग जानते थे, एक लोग कहते हैं कि ये आपकी कल्पनाएं हैं और इस तरह से आप सोचते सोचते कल्पना में गहरे उतर गए और उसके बाद आपने वही सत्य मान लिया। लेकिन सहयोग में यही प्रतीक आज सिद्ध हो गए कि ये वास्तविक रियलिटी में बैठे। जो प्रतीक रूप थे उन्हीं का स्वरूप आज आपके सामने प्रत्यक्ष में आ गया कि ये सच्चाई है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि कहाँ तक जा सकती है, उसकी सीमाएं हैं, और वो ऐसी चीजों को मान ही नहीं सकता कि जो लिखी गई हैं। उसके लिए तो चाहिए कि वो किसी प्रकार से अपनी आंख मूंद ले और सोचे कि ये जो प्रांत है, ये जो एरिया है, मैंने जाना नहीं, और इसको अगर जानना है तो मेरी अंदरूनी दशा बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मानव स्थिति में मैं इसको नहीं जान सकता। मैं दिल्ली के लिए इसलिए कह रही थी कि श्री गणेश की पूजा आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश और गौरी का संबंध नितांत है, इटर्नल है, और जब तक यहाँ पर श्री गणेश की स्थापना नहीं, तब तक यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, खासकर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, वो ठीक नहीं हो सकते। उसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो पवित्र हैं और जो बच्चों जैसे भोले। तो लोग कहेंगे बच्चों जैसे भोले लोग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, बहुत से लोग ऐसा भी कह सकते, लेकिन ऐसे लोग हैं कहाँ? ऐसे लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो आपको पता होगा कि श्री गणेश जो है वो बुद्धिदायक तो है ही, लेकिन बुद्धि में वो सत सत विवेक बुद्धि भर देते हैं, माने जिसे विजडम कहते हैं। सत असत क्या है ये वो भर देते हैं, और उसके कारण मनुष्य जो सत्य है उसी को करता है और पूरी उसमें अपनी जान लगा देता है। ये जो पाप कर्म है इसी के लिए तो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे आप किसी को थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, फौरन वो या तो किसी औरत के पीछे दौड़ेगा और या तो वो शराब पीना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप गणेश के पुजारी हैं तो आप ये सब कभी नहीं करेंगे। तब फिर ईसा मसीह ने जब उनका अवतार लिया तो हमारे सर में आप जानते हैं कि आज्ञा चक्र पे दो खिड़कियां,
एक आगे एक पीछे। आगे वाली जो खिड़की उससे हम देखते हैं, उससे आंखों की चालना होती। इसलिए जिस आदमी के गणेश गड़बड़ हो जाते हैं उनकी आंख स्थिर नहीं होती, घूमती रहती है ऐसे ऐसे। ईसा मसीह ने तो मोसेस से कहीं अधिक सूक्ष्म बात कही। उन्होंने तो 10 चीजें कहे, पूरी चोरी मत कर, किसी और की बीवी की और मत देख, ये वो ऐसा। इनका नहीं, इनका दाउ शैल्ट नॉट हैव एडल्ट्रस आईज, माने आपके आंख में किसी भी तरह की लोभ या मोह या लस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी शुद्ध आंख होनी चाहिए। बताइए, ईसाई लोगों में अगर आप परदेश में जाए तो आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे जो आंखें नहीं घुमा रहे, उनकी सारी आंखें से ऐसे होते चल चल। उसका असर चित्त पे आता है। पूरी जिसकी आंख इधर उधर चलती रहती है किसी भी वजह से, चाहे उसको किसी का लोभ हो, जैसे अब कोई कोई लोग हैं, मैंने देखा है, वो रास्ते चलते हुए हर एक एडवर्टीजमेंट पढ़ते जाए, अगर कुछ छूट गया तो पीछे मुड़ मुड़ के देख के पड़ेंगे, क्या जरूरत है। हर औरत की ओर देखेंगे, कुछ औरतें ऐसी हो हर आदमी की ओर देखेंगे, क्या जरूरत है। या तो वो अपने को बहुत अफलातून समझते हैं और देखना चाहते हैं कि कितने लोग हमारे और देख रहे हैं। अरे भाई, देखने से क्या मिलना है, अगर हजारों ने भी आपके दर्शन किए तो उनका भी फायदा नहीं और आपका भी फायदा नहीं। ऐसे बेकार लोगों के दर्शन करने से फायदा, लेकिन हो सकता है कि इसमें और भी गहरी बातें हों। और मैंने देखा जो आदमी भूतग्रस्त होता है उसमें ये बहुत ज्यादा होता है। अब किसी के घर में गए, देखी कोई चीज, तो उसको यही होगी इच्छा कि ऐसे मेरे घर में भी होनी चाहिए, फिर लगे उसी के पीछे। वो भी इतना खराब नहीं, पर कोई कोई लोग है चोरी करके ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसको उठा के ले जाने से हमें बड़ी तृप्ति मिलेगी, फिर दूसरे घर चोरी करने क्यों जाते। इस तरह से अपना सारा चरित्र जो पवित्र और सुंदर है वो श्री गणेश की ही शक्ति से बनता है, क्योंकि वो सत असत विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं, निरक्षीर विवेक उसको कहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है कि हंस भी सफेद है और बगुला भी सफेद है, इनके अंदर भेद क्या, हंस और बगुले, कि नीर और क्षीर माने पानी और दूध अगर मिला दीजिए तो हंस उसमें से सिर्फ दूध ले लेता, और जो बगुला है उसको पता नहीं, वो दोनों चीज लेते रहते। इस प्रकार ये जो इसको डिस्क्रिमिनेशन, डिवाइन डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ये हालांकि हमसा में इसका प्रादुर्भाव है, पर ये देखा जाए तो श्री गणेश की शक्ति। सहयोग के बाद आपो आप ये शक्ति आ जाती है, क्योंकि आत्मा स्वरूप श्री गणेश का प्रकाश जब हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम उस प्रकाश में सोचते हैं ये तो बेकार, हमारे लिए नाश की चीज है, हम इसे नहीं। अब श्री गणेश की पूजा हो रही, घंटे बज रहे हैं, ये है वो है, और उनसे कोई फायदा नहीं होता। उसका कारण यह है कि अपने अंदर बसे हुए श्री गणेश की पूजा करें, मतलब ये कि अपने अंदर वो पवित्रता जो श्री गणेश का आशीर्वाद है वो फैलना चाहिए। अब लोग कहेंगे माँ कैसे करें, आपको सिर्फ इस पर ध्यान करना, ध्यान धारणा से अंदर से सारी सफाई हो जाती, लेफ्ट साइड की सफाई जो होती है वो श्री गणेश को बनाते हैं। तो ये कहिए कि एक पाप आप माँ के विरोध में करते हैं और एक पाप आप पिता के विरोध में करते हैं।
जिसमें हिंदुस्तानी बहुत माहिर, माने वो हर समय ये सोचते हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, इसका पैसा खाओ, उसका पैसा खाओ, ये करो वो करो, पैसे के पीछे घूमो। वो ये नहीं जानते कि आपका पिता परमात्मा जो है उससे बढ़ के धनवान कौन है। आपको क्या जरूरत है इंसानों के पैसे लेने की और उनको ठगाने की। ये जो ठगबाजी आती है वो इस वजह से, क्योंकि आप अपने को असुरक्षित इनसिक्योर महसूस करते हैं। बस गणेश जी के आशीर्वाद से उधर चित्त ही नहीं जाता, तो जो माँ के विरोध में पाप हो रहे हैं वो ज्यादा गहन है। अब ये बात समझ लीजिए कि ये पाप जो है ये अंदर ही अंदर आपको खाते हैं। सारी लेफ्ट साइड की बीमारियां आप लगा लीजिए, फिर साइकोसोमेटिक बीमारियां भी उसी के साथ, ऐसे अनेक तरह के ये जो आजकल प्रादुर्भाव हुए हैं, आजकल जो डिजीजेस निकल आई हैं, अधिकतर ये आपके गणेश तत्व के कारण। अगर आप लोग सहयोगी हैं तो आपको रोज ध्यान करना चाहिए। लेफ्ट साइड से पहले करिए, फिर राइट साइड से करिए, फिर दोनों तरफ से करिए। और लेफ्ट साइड की बीमारी जो है वो प्रकाश या दीप जलाने से निकल सकती है, क्योंकि दीप जो है श्री गणेश का द्योतक है। अंधकार को दूर करना उनका कार्य है, जिससे कि हमारा खान पीन सब ठीक कर सकता है, होता है, और उसका विसर्जन भी ठीक से हो जाए, ये भी श्री गणेश की शक्ति। इस प्रकार जो हम अपने शरीर का इतना विचार करते हैं, शरीर को रोज धोएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उससे ज्यादा हमें अंदर की मलिनता की ओर नजर करनी चाहिए, शीशे में देख करके अपने करना चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूं, और श्री गणेश को आवाहन करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि आप आइए विराजिए, और नहीं मेरे मूलाधार पर बस सारे चक्रों में आपका राज्य, आज्ञा तक उनका राज्य है। इसलिए ईसा मसीह ने कहा है कि आई एम द पाथ, आई एम द गेट। अलग अलग तरह से इसके ट्रांसलेशन हुए हैं, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अंतिम मंजिल हूँ, मैं डेस्टिनेशन हूँ, ऐसी बात नहीं। एक अर्थ से है, क्योंकि अगर वो आत्मा है तो आत्मा स्वरूप, पर फिर उन्होंने आदि शक्ति पे छोड़ दिया कि इसको तुम ठीक करो। अब आप किसी भी धर्म को अगर पढ़े तो आप आश्चर्य होंगे कि इन सब ने पवित्रता पे ही जोर दिया। एक पवित्रता जो कि श्री गणेश की शक्ति, पर जब मनुष्य उस पवित्रता का और अपना मान नहीं रखता है, उसकी मर्यादाएं नहीं रखता है, तब उसको ये तकलीफें देने लग जाते हैं श्री गणेश, मतलब ये कि वो हट जाते हैं उसकी जिंदगी से। वो अगर हट गए तो उनकी शक्तियां भी हट गई, और फिर सब जो भी बीमारियां हैं उसका आप सामना करें। सहयोगियों को चाहिए कि श्री गणेश को नमन करें हर समय, जब भी हो सकता है उनको याद रखें। कोई गलत विचार अगर दिमाग में आए तो उनकी शुद्धता से वो सब सफाई हो जाए, उनकी सफाई से और उनकी मेहनत से मनुष्य जो है वो उस चरम सीमा तक पहुंच सकता है जिसका स्वप्न आप लोग देख रहे हैं। तो श्री गणेश हैं, जिन्होंने श्री गणेश को चक्र में घूम कर देखा सिंपथेटिक एक्टिविटी से, वो समझ नहीं पाए और उसी को कुंडलिनी समझ के बैठे, इसी से बहुत गड़बड़ियां हो गई, तांत्रिकों ने बड़ी गड़बड़ियां की। तो अपने अंदर जो धरोहर हमारा है, जो हमारा हेरिटेज है, ये पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, उसको समझना चाहिए। विवाह भी उसी पवित्रता का बंधन है।
तो जिन जिनों ने धर्म को संभालने की कोशिश की, हम 10 गुरुओं को मानते हैं ना स्वर्ग में, उन्होंने विवाह के प्रति बहुत जागरूक किया लोग, जैसे कि मोहम्मद साहब कर लीजिए। बहुत से लोगों से पता है कि मोहम्मद साहब ने इतनी शादियां क्यों करी, ये समय आचार। उस समय में इतने लोग मारे गए थे, इतने यंग लोग मारे गए थे, आदमी लोग, दैट औरतों के पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि वो कुछ न कुछ ऐसे कामों में लग जाए जिससे वो अपना धन उपार्जन कर सके। उनके अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो वो करते क्या। और विवाह एक बंधन जिससे कि मनुष्य पवित्र रह सकता, इसलिए मोहम्मद साहब ने इतनी शादियां करके और उन लोगों को बचाने की कोशिश की, उन औरतों को जो कि गलत रास्ते पे जा सकते। इसको समझने के लिए आप कृष्ण को भी देखिए, उसकी 16,000 पत्नियां, बहुत से कहते हैं 16,000 पत्नियां उनकी थी और 5 और पत्नियां थी। अब वो पुरुष थे और पुरुषों पे लांछन पहले लगते हैं, हम माँ हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, सब हमारे बच्चे, हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता। अब वो तो पुरुष थे, और वो अगर इन 16,000 अपनी शक्तियों को अपने साथ रखते तो लांछन हो जाता। ये उनकी 16,000 शक्तियां और 5 पंच महाभूत की शक्तियां, ये सब उन्होंने सोचा कि शादी कर ले, ठीक है, तो कोई नहीं कुछ कह सकता। किसी भी हालत में, किसी भी उम्र में आदमी के प्रति लांछन लग जाता है। सो उन्होंने कहा कि ठीक है, इन सब से मेरी शादी हो जाएगी और मैं इनको इस्तेमाल करूँ। तो ये उनकी शक्तियां थी जिससे उन्होंने शादी। इस प्रकार हमारे यहाँ भी समझने की जरूरत है कि ये जो परमात्मा के अवतरण हुए हैं, इन्होंने ऐसे काम क्यों करें जो कि समाज रीति से अलग, देखने में विचित्र लगते, क्योंकि वो अवतरण है, वो परमात्मा का अंश, कहने से परमात्मा का स्वरूप ही है। वो जो भी करे वो अच्छा ही करते, वो पाप नहीं करते। उनके अंदर श्री गणेश पूर्णतया जागृत है। इस प्रकार हमें सोचना चाहिए कि सिर्फ श्री गणेश की पूजा करने से नहीं होगा, उनकी महत्ता गाने से नहीं होगा और उन पे लेक्चर देने से भी नहीं होगा, उनको अपने अंदर जागृत करना चाहिए। ये जागृति आप सबकी तो हो ही गई है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ थोड़ी डावाडोल, और जैसे ही ये डावाडोल हो जाती, चित्त भी डावाडोल हो जाता है। फिर ऐसे जो सहयोगी होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ये आधे अधूरे हैं, ये किनारे पे हैं, अभी अंदर उतरे नहीं। तो अपने चरित्र का मान रखना, ये अपनी स्वयं की एक खासगी चीजें हैं, उनका ध्यान रखना और उनको खुले आम रास्ते पर बेचना या उसका प्रदर्शन करना, या अपनी आंखों से उसको नष्ट करना, ये सब बातें बहुत गलत है। और कोई समझ नहीं सकता कि चित्त कितना बावला हो जाता है उसे, और उसी वजह से जब चित्त बावला हो जाता है उसका अटेंशन आपका कहीं भी जा सकता है, और फिर आपको कोई सी बीमारी लग सकती है, आपको कोई सी भी दुविधा लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक सहयोगी के लिए श्री गणेश को पूरी तरह हृदय से मानना बहुत जरूरी है। इनकी स्तुति सबने की है अलग अलग फॉर्म में। मोहम्मद साहब ने भी ईसा मसीह की स्तुति की, क्योंकि वो जानते थे ये निष्कलंक, पूरी तरह से
ये निष्कलंक है और यही बात हमें सबको अपने बारे में सोचना है कि हम अपने को निष्कलंक रखें। ये करते वक्त आप बुद्धि पुरस्त नहीं हुए, बुद्धि से नहीं, फिर आपको लगेगा अरे बाप रे बड़ी मेहनत की चीज, पर आप इसे छोड़ दें, अपने चित्त को ही आप समझा दे के देखो भाई गलत काम मत करो। अगर आप इस बात पर पूरी तरह से जम जाए कि हमें ये सब गंदे काम नहीं करने के, ये सब गंदगी है, तो कोई दुनिया की शक्ति आपको उसमें से हटा नहीं सकती। इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे आसान है कि बच्चों जैसे होना, उनके मोहब्बती स्वभाव, उनका भोलापन, उनकी सादगी। पर आज मैं देखती हूँ कि प्रदेश में इन बच्चों पे बड़ा ज़बरदस्त आघात आ रहा है, न जाने किस किस प्रकार के गड़बड़ काम करते हैं बच्चों को नष्ट करने का। इसका मतलब कोई बड़ी नेगेटिव फोर्स चल रही है जो इनका सर्वनाश करना चाहते हैं। इसलिए हमें यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सतर्क होना चाहिए कि ये नेगेटिव फोर्सेस यहाँ ना आ जाए। हमारी जो संस्कृति है वो तो बहुत सुंदर है और उसमें बच्चे पनपते भी बहुत सुंदर हैं, पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप सतर्क होकर अपनी और अपने बच्चों की ओर देखें। माँ बाप को बच्चों को बताना होता है कि ये गलत काम है नहीं करना, ये ठीक चीज़ नहीं नहीं करना, हम सहयोगी, ये कहने में कोई हर्ज नहीं और ये बताने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं। आजकल लोग सोचते हैं कि बच्चों से अगर बताया जाए कि तुम ये काम मत करो, ये काम मत करो, इसका तो मतलब ये हो जाता है कि हम बच्चों को रुकावटें डालते हैं। और प्रदेश में तो बच्चों को जैसा चाहे वैसे रहे, तो ये बात थी। तो बच्चे पेड़ से क्यों नहीं लटके, आपने क्यों पैदा किया, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपको क्या करना है, बच्चों को कहना होगा ये गलत काम है और हम नहीं चाहते, हम आपको इसके लिए पैसे नहीं देंगे, आपकी हम मदद नहीं करेंगे, आप कायदे से रहिए, नहीं तो हमारा भी समाज उसी तरह से हो जाए। उनकी अच्छाई तो आई नहीं, पर से बुराई हम ले लें। आशा है आप लोग समझ लेंगे कि गणेश जी का कार्य सहज में कितना महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग प्राप्त करें, उसके प्रकाश से आप प्रकाशित हों और सारे ब्रह्मांड में उनकी शक्ति का प्रादुर्भाव हो, अवेयरनेस आ जाए और लोग उसको मान लें, यही हमारा आशीर्वाद। कुछ समय ध्यान में बैठते हैं।
जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरणों में हम प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित है। आज की अमृतवाणी में आपने हमें जो ज्ञान प्रदान किया, सामूहिकता आपकी ऋणी है। हमें भौतिक प्रलोभनों से दूर रखिए। हमारे अंदर स्वयं शिस्त प्रस्थापित कीजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमें आविर्भाव स्थिति में, अतीत स्थिति में, अकर्म स्थिति में स्थित कीजिए। श्री माता जी, हमारे अंदर संपूर्ण विवेक और समर्पण भाव प्रस्थापित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आज के ध्यान में अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं का स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वादित कीजिए। आपके श्री चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। आज का ध्यान सत्र अभी संपन्न होता है। जय श्री माता जी।